कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और फिर से मैंने स्टार्ट किया है गाड़ी में ही, क्योंकि आज फिर से हम लोग एक फंक्शन में जा रहे हैं। तो आज फंक्शन है एक, मतलब ननंद ही लगी, मेरी बहन की ननंद है, उनके यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, फंक्शन है उनके यहाँ पे। तो जो है आज दक्ष हमारे साथ जा नहीं रहा है, तो अभी किसी काम से काविंदर जी उतरे थे, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो आज मैंने येलो कलर की साड़ी वेयर की थी और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। उनके यहाँ सत्संग था इसलिए हम लोग लेट निकले हैं। अभी हमारे 1 बज रहा है जो हम लोग जा रहे हैं। दोपहर की दावत थी उनके यहाँ सत्संग करने, जो ना दिल्ली से आए थे, तो वो थोड़ी सी लेट हो गए थे। तो हम लोगों ने फ़ोन वोन कर लिया था, तो हमने सोचा इतनी जल्दी जा करके क्या करेंगे, भूख बहुत तेज़ लग रही है। खा भी लिया था सुबह से, नाश्ता करने के बाद भी खा लिया था क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। तो चलो बस अब मैं देखती हूँ ये आ जाए तो हम जल्दी से निकलें और देखते हैं कैसे कैसे वहां पे होता है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके सामने उसे बैठा भाई को प्लीज, मेरी गोदी में ना रुकेगा प्लीज, वो रुकेगा नहीं ना बेटा, उसे बैठा रहने दो। अभी खा लो फिर दादी के साथ दोबारा आएंगे खाने। भाई को पीछे तो तुम मेरे पास ही आ जाओ। ये ले ले ला, जा बेटा तू बुआ के पास चले जा, डोली बुआ के पास, वो बुला रहे अभी, वो जाओ, वो भी तो ना आ रहे हैं ना, जा डोली बुआ के पास। तू बैठेगा? अच्छा मेरे पास आना है? कांदरे कहाँ से करी हो? आजा कहाँ जाना है, कहाँ क्यों आया है तू, आ गया क्यों आया, मौसी के पास क्यों आया? अबे बागी वो किसकी गाड़ी में बैठे हुए? वो अध्यक्ष भाई को ना पूछा बेटा तूने, अध्यक्ष कहाँ आया? दक्ष ना आया क्यों? मना कर दिया, खुद नहीं मैं जा रहा, मैं परेशान हो जाऊंगा। वो तो परेशान बहुत हो, बाहर जा रहे ये दाल खान जा रहे क्या? पुप्पू को बुला लो, आवाज लगाओ, पुप्पू आ जाओ, हाथ धोकाएंगे। हम लोग बाहर आके खा करके, और ये जो है ना विकास, जो सबसे बड़ा बत्तू है, बतून को पता नहीं कौन मिल गया, तो वहाँ पे बात करने खड़ा हो गया और हम उसका वेट कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि कर किससे रहा है ये बात, क्योंकि हमारे पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, पता नहीं कौन थे, और मुझे तो नहीं आ रहे थे कि डोली जानती होगी शायद से, तो फिर मैंने बाद में पूछा, तब उसने बताया कि ये थे, तो वो पीछे ही रह गया बात करने के लिए। चलो चलो व्यांश, आ जाओ जल्दी आओ, रोड पे मत जा बीबू, वेट तो उसके बाद हम लोग आ गए दीदी के घर पे। घर से वेंकट होल थोड़ी सी दूरी पर था, मतलब इतनी भी पास नहीं था कि पैदल जा सकते हैं, सब लोग गाड़ी से ही गए थे। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही थी, कुछ भी नहीं खाया गया। वैसे दिन के फंक्शन में सिर्फ पानी के अलावा या कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम के अलावा ना कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो
तो घर पे जो है ना दीदी के यहाँ पे सत्संग भी था, क्योंकि उन लोग वो लोग जो है ना गुरु जी जो हैं वो अपने आनंदपुर वाले उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनके लिए बाहर से शायद दिल्ली से आई थी वो सत्संग करने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो उधर खाना भी स्टार्ट हो गया था, इधर इनका सत्संग मतलब फिनिश हो गया था, हम लोग तो थोड़ा सा ही सुन पाए थे, तो वो लोग अब लोग यहाँ से जा रहे हैं, विदा दे रहे हैं उन्हें सबको। तो ये दीदी का घर है, नया बना है अभी इस टाइम, तो मतलब इसका भी घर का भी इनॉग्रेशन था, मतलब इनके बेटे का भी जन्मदिन भी था, मतलब बर्थडे भी था और ये इनॉग्रेशन भी था, दोनों चीज़ें थी ये। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और हम लोग गए थे नूरपुर, तो ये बहुत प्यारा सा घर दीदी ने बनाया है। तो इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, खा के हम लोग आ गए थे, दक्ष हमारे साथ गया नहीं था तो वो घर पे भी वेट कर रहा था, उधर से भैया भाभी सब आए हुए थे। फिर उसके बाद ये मैं मंदिर दिखाती हूँ, बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाया था जहाँ पे उन्होंने अपने गुरु माता और जो उनके और जो हैं जो भी गुरु हैं वो यहाँ पे रख रखे थे उन्होंने, तो डोली यहाँ पे अपना मत्था टेक रही थी, हम लोगों ने भी करा। फिर उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए आ गए, तो ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया, जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कर लिया। बच्चे भी ज़्यादा परेशान हो गए थे गर्मी में, भैया के भी दोनों बच्चे बिल्कुल ऐसे परेशान से हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ दक्ष नहीं आया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है कहीं पर जा करके। वैसे हम लोगों ने खूब मस्ती की और बस चल देते हैं, बस यही हो जाता है थोड़े फंक्शंस में एक दूसरे से मिल लेते हैं, वही होता है सब, बड़े सब तो बातों में लग ही जाते हैं, छोटे थोड़े परेशान से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी भूखी भी चल रही है मस्ती। तो बस इन द लास्ट मैं अपने ब्लॉग का, ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा ब्लॉग, यहीं पे एंड करती हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो ये बात है ना, अभी तो लगेगा बहुत सारा इसमें, पर बाकी सही है, बहुत बढ़िया हो गया फिनिशिंग होके भी ना। इसमें एसी का तो अपना आराम से सोते रहो, बिना एसी के तो ना रुका जाएगा घर, गर्मी इतनी है। आ जाओ पीछे का देखो, चलो चलो पीछे। ओ व्यांश, तो मशीन को देखने दे। व्यांश नहीं, अरे टंकी उनकी ना खोल ले, भीग जा मैं जल्दी। ओए आ बिबू, आओ चलो आओ, ईशानी आ जा। आ जाओ शानी।